Hello dear students, how are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson number 5, Anita and the honeybees. And today I am going to explain you its objective portion and question answers. So are you ready kids? Let's begin. Let's see, our first topic is MCQ. Our first question is, in which state is Anita's village located? अनीता का गांव कौन से स्टेट में आया था? मैंने आपको बताया था ना? Yes, आपने सही सोचा. उसका विलेज बिहार में था. तो हमारा ऑप्शन होगा सी, बिहार. Let's see, our next question is, what does Anita do along with studying in college? अनीता कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ और भी क्या काम करती थी? Yes, वो क्या करती थी? बीज को पालती थी ना? She keeps bees. तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फ्रॉम अनीताज हाउस वाज अगेंस्ट एजुकेटिंग गर्ल्स? अनीता के घर में से गर्ल्स की पढ़ाई को लेकर कौन अगेंस्ट था? यस, मैंने आपको बताया था ना किड्स, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे कि गर्ल्स कभी स्कूल नहीं जाती है. तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कन्विंस्ड अनीताज पेरेंट्स सो दैट अनीता स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल? अनीता के पेरेंट्स को किसने समझाया, किसने मनाया तो अनीता स्कूल जा पाई? अनीता के स्कूल के टीचर ने उसके पेरेंट्स को समझाया था, इसीलिए अनीता स्कूल जा पाई. तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, अ स्कूल टीचर. नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होम डिड अनीता कन्विंस फॉर एजुकेटिंग गर्ल्स? लड़कियों के एजुकेशन के लिए अनीता किसको कन्विंस कर रही थी? यस, वो उसके विलेजर्स को कन्विंस कर रही थी कि आप भी अपने डॉटर्स को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो. तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, द विलेजर्स. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ट्रीज ग्रो अबंडेंटली इन अनीताज रीजन? अनीता के रीजन में कौन से ट्रीज ग्रो होते थे? यस, वहाँ पर लीची के जो ट्रीज थे वो ज्यादा ग्रो होते थे. तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, लीची. नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which is the best time to start keeping bees? Bee keeping का सबसे अच्छा time कौन सा होता है? Yes, October to December. तो हमारा answer होगा D option. Now our next question is, which insects other than honeybees are seen near flowers? Honeybees के अलावा और भी कौन से insects होते हैं जो flowers के आसपास घूमते हैं? तो kids, आपने butterfly को देखा है ना, वो भी flowers के आसपास घूमती है. तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, बटरफ्लाईज. नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच इंसेक्ट्स अदर देन हनीबीज लिव टुगेदर इन ग्रुप? हनीबीज के अलावा और भी कौन से इंसेक्ट्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं? यस, ये तो मैंने आपको चैप्टर में ही बताया था ना, जो एंट्स होती है वो भी हनीबीज की तरह ग्रुप में ही रहती है. तो हमारा आंसर है सी ऑप्शन, एंट्स. नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिलिंग द ब्लैंक्स. लेट्स सी, Our first fill up is, Anita's village is located in dash district. Anita ka village kaun se district mein aaya hua tha? Bihar to state tha, lekin abhi district kaun sa tha? To wo Muzaffarpur district tha. Let's see the next. When Anita was small, she used to graze dash. Anita jab choti thi, to wo kise charane lekar jati thi? To wo uski gods ko charane ke liye lekar jati thi na? तो हमारा आंसर होगा गॉड्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द होम ऑफ हनीबीज इज कॉल्ड अ डैश. हनीबीज का जो घर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बीहाइव कहा जाता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, डैश इज ऑब्टेंड बाय कीपिंग हनीबीज. अगर हम हनीबीज को रखते हैं, उसे पालते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें हनी मिलता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, हनीबीज लाइक द फ्लावर्स ऑफ द डैश ट्री. हनी बीज को कौन से ट्री के फ्लावर पसंद होते हैं? आपको पता है किड्स, मैंने आपको बताया था, उनको लीची के जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही पसंद होते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीची ट्रीज फ्लावर इन द मंथ ऑफ डैश. जो लीची ट्री के फ्लावर होते हैं वो कब, कौन से मंथ में खिलते हैं? तो वो फेब्रुआरी में खिलते हैं. तो हमारा आंसर होगा फेब्रुआरी. Now let's see the next question. Anita goes to the city to study in her college on a dash. Anita college किस पे बैठ के जाती थी? उसके पास क्या था? उसके पास bike.
बाइसिकल थी ना तो हमारा आंसर होगा बाइसिकल नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश एंड डज द वर्क ऑफ लेइंग एग्स जो एंड्स होती है जिसे हम चींटियां भी कहते हैं तो उसमें से कौन सी चींटी जो है वो अंडे देती है तो जो क्वीन एंट होती है वही अंडे देती है नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अनीता कीप्स बटरफ्लाइज अनीता बटरफ्लाइज को रखती थी तो किड्स क्या ये सेंटेंस ट्रू है नहीं है ना अनीता तो हनी बीज को रखती थी तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता's पेरेंट्स वर अगेंस्ट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल अनीता के पेरेंट्स अगेंस्ट थे कि गर्ल्स स्कूल नहीं जाती है तो ये सेंटेंस ट्रू है ये बात तो सही है ना अनीता के पेरेंट्स नहीं मानते थे कि गर्ल्स कभी स्कूल जाती ही नहीं है नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट अनीता कुड स्टडी ड्यू टू द कन्विंसिंग ऑफ द सरपंच अनीता ने सरपंच को कन्विंस किया इसीलिए वो स्टडी कर पाई तो किड्स ये सेंटेंस फॉल्स है अनीता ने और उसके टीचर ने उसके मम्मी पापा को कन्विंस किया इसीलिए वो स्कूल जा पाई नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनीता वुड गेट 2 kg हनी फ्रॉम 1 box ऑफ बीज अनीता को बी का जो बॉक्स था उसमें से 2 kg हनी मिलता था तो किड्स क्या ये सेंटेंस ट्रू है अनीता को हर एक बॉक्स में से सिर्फ 2 kg ही हनी मिलता था नो अनीता को हर एक बॉक्स में से 12 kg हनी मिलता था Now let's see the next. Honeybees are attracted more to lychee flowers. जो honeybees होती है वो lychee flowers से बहुत ही ज्यादा आकर्षित होती है तो ये sentence true है ना मैंने आपको बताया था ना जो honeybees होती है वो lychee flowers से ही ज्यादा attract होती है Now let's see the next. Lychee trees flower in October. Lychee tree के जो flowers होते हैं वो October में आते हैं नहीं ये sentence false है क्योंकि लीची ट्री के जो फ्लावर्स होते हैं वो ऑलवेज फेब्रुआरी में ही आते हैं नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट हनी बीज लेज एग्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर जो हनी बीज होती है वो उसके अंडे कब देती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही देती है तो ये सेंटेंस ट्रू है लेट्स सी द नेक्स्ट अनीता कलेक्टेड मनी फॉर कीपिंग बीज बाय गिविंग ट्यूशन टू स्मॉल चिल्ड्रन अनीता छोटे बच्चों को ट्यूशन करवाती थी और इससे जो उसको मनी मिलती थी उसी से वो बी कीपिंग का भी काम करती थी तो ये सेंटेंस ट्रू है ना नाउ किड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट लेट्स सी फर्स्ट है लीची तो लीची का क्या होता है ट्री होता है ना तो आपको आंसर में लिखना है ई लेट्स सी सेकेंड है बोचाहा तो बोचाहा क्या था अनीता के गाँव का नाम था तो आपको आंसर में लिखना है डी अनीताज विलेज लेट्स सी नेक्स्ट है क्वीन एंट तो जो क्वीन एंट होती है उसका काम क्या होता है तो वो अंडे देने का काम करती है तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन लेज एग्स लेट्स सी नेक्स्ट है वर्कर हनीबीज जो वर्कर हनीबीज होती है उसका काम क्या होता है तो वो बीहाइव को बनाती है जो हनीबीज का घर होता है ना उसे बीहाइव कहा जाता है तो उसे कौन बनाता है जो वर्कर बीज होती है वही बनाती है तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन मेक बीहाइव्स नाउ किड्स लेट्स सी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट इज हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट किड्स क्या आपने फ्लावर्स के आसपास कोई इंसेक्ट्स को देखा है कौन से इंसेक्ट्स को देखा है यस आपने जरूर देखे होंगे राइट यस आई हैव सीन हनी बीज बटरफ्लाईज एंड वास्प नियर फ्लावर्स मैंने हनी बीज को फिर बटरफ्लाई को और जो बौरे होते हैं उन्हें देखा है फ्लावर के आसपास लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द इंसेक्ट्स कम नियर टू द फ्लावर्स फाइंड आउट जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर्स के आसपास क्यों घूमते हैं आपको पता है किड्स दे कम टू फ्लावर्स टू सक नेक्टर फ्रॉम देम इंसेक्ट्स फ्लावर के आसपास इसीलिए घूमते हैं क्योंकि उसके अंदर जो नेक्टर होता है उसे सक करने के लिए लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनीबीज हनीबीज की तरह और भी कौन से इंसेक्ट है जो साथ में मिलके रहते हैं तो अदर देन हनीबीज इंसेक्ट लाइक एंट्स वास्प कारपेंटर एंट्स एंड टर्माइट्स एटसेट्रा लिव टुगेदर इन अ ग्रुप हनीबीज की तरह बाकी जो इंसेक्ट्स है जैसे कि चींटियां है फिर भंवरे होते हैं
फिर जो बड़ी चींटियां होती है जिसे हम बिग ब्लैक एंट भी कहते हैं और जो टर्माइट्स जिसे हम दीमक भी कहते हैं, तो ये सारे हनी बीज की तरह ग्रुप में ही रहते हैं। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू एंट्स लिव। एंट्स कहाँ पर रहती है? तो एंट्स लिव ऑन ओपन ग्राउंड, जहाँ पर खुला मैदान हो वहाँ पर, एट द बेस ऑफ ट्रीज, ट्रीज के बेस में रहती है। इन होलो दे मेक इन वॉल्स ऑफ हाउसेस एटसेट्रा, और हमारे घर की जो दीवारें होती है उसमें भी वो हॉल बना के रहती है। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच फूड आइटम्स एंट्स आर अट्रैक्टेड। कौन से फूड आइटम से एंट्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती है? तो उसे शुगर, जैगरी, ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, चपातीज, स्वीट्स, डेड इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें देखकर एंट्स जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट होती है। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज What work was Anita doing apart from studying in college? Anita college में पढ़ाई के साथ साथ और भी क्या काम करती थी? तो apart from studying in college, Anita gave tuitions to small children and kept bees. वो छोटे बच्चों को पढ़ाती भी थी और साथ में वो हनी बीज को भी पालती थी। Let's see the next question. Why was Anita not admitted to school when she was a child? अनीता जब छोटी थी तो उसे स्कूल में क्यों नहीं भेजते थे? आपको बताया था ना किड्स मैंने, अनीता's पेरेंट्स डिड नॉट लाइक गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। अनीता के पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता था कि गर्ल्स कभी स्कूल जाए। सो शी वॉज नॉट एडमिटेड टू एनी स्कूल व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, इसीलिए उसका एडमिशन कोई भी स्कूल में नहीं करवाया था। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज कंसिडर्ड द बेस्ट टाइम फॉर बी कीपिंग। बी कीपिंग के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? Bees lay eggs during the month of October to December. So this is considered as the best time for keeping bees. जो हनी बीज होती है वो उसके अंडे कौन से महीने में देती है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती है। तो ये समय जो है वो बहुत ही अच्छा होता है बी कीपिंग का काम करने के लिए। Let's see our next question is what did Anita have to bear while keeping bees? अनीता को कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता था जब वो हनी बीज को पालती थी तब? While keeping honey bees, Anita would be stung many times. जब वो हनी बीज को पालती थी तब बहुत बार क्या होता था, जो हनी बीज होती थी वो उसे डंक मारती थी। This would make her hands and her face swollen and she would be in a lot of pain. तो बहुत बार ऐसा भी होता था कि उसके हैंड्स पर, उसके फेस पर सूजन भी आ जाती थी और उसे वो दर्द भी बहुत करता था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों का उसे सामना करना पड़ता था। Now let's see our next question is what does Anita wish to be? Why? Anita को क्या बनना था और क्यों बनना था? मैंने आपको जब chapter explain किया तब बताया था ना kids, Anita wishes to be a big wholesaler in the honey industry. Anita को एक बहुत ही बड़ा wholesaler बनना था honey industry का, so that she can get people returns for their money. जिससे कि उसे और उसके गांव वालों को हनी की सही कीमत मिल सके, इसीलिए उसे होलसेलर बनना था। नाउ किड्स, आपकी पीडीएफ में से यह वर्क आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कर देना है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।